हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज अ पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 37 degree Celsius. एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट. द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस विल बी. तो द प्रोसेस इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मीन्स इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. एक आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज माइनस 2.303 आरटी लॉग विद बेस 10 एनआरटी फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स. यहां पर हम लोग एन की मल्टीप्लाई भी करेंगे. 2.303 NRT log with base 10 V final upon V initial. ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे 2.303. N की वैल्यू हमारे पास है 0.04. R की वैल्यू हमारे पास आती है 8.314. टेम्परेचर हमारे पास है 37 degree Celsius 310. और लॉग विद बेस 10 फाइनल वॉल्यूम है 375 और इनिशियल वॉल्यूम है 50. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वर्क डन आ जाता है 208 जूल. ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास वर्क डन आएगा नेगेटिव में 208 जूल. अच्छा, उसने ये भी कहा है कि ऐसा होते वक्त उसने एब्जॉर्ब किया है 208 जूल ऑफ हीट. तो हीट टेकन बाय द सिस्टम is considered as positive. तो अगर हीट उसने एब्जॉर्ब की है तो उसकी जो हीट आएगी वो आएगी 208 जूल. तो Q की वैल्यू आएगी प्लस 208 और W की वैल्यू आएगी माइनस 208. Hence option A will be the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.